शुक्रवार को सुंदरगढ़ जिला पुलिस की ओर से आम खुशी आम सुरक्षा शीर्षक कार्यक्रम के तहत राजगांवपुर थाना परिसर में प्रतीक्षालय के एक भाग को बच्चों के लिए आनंद घर के रूप में पश्चिमांचल के डीआईजी कविता जालान ने उद्घाटन कर उसकी शुरुआत की। बच्चों के इस भवन का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना भवन की दीवारों पर लुभाने वाली चित्रकारी एवं बच्चों के लिए खेलने के लिए रखे गए खिलौने। दरअसल इस परियोजना का उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि थाना में कोई भी अभिभावक किसी काम से जाना चाहते हैं, उनके साथ छोटे बच्चे हों तो वे यहां पर वक्त गुजार सकते हैं, जिससे अभिभावकों का काम खत्म होने तक बच्चे इस घर में सुरक्षित रह सकेंगे। वहीं दूसरी ओर मौके पर सुंदरगढ़ जिला SP सागरिका नाथ ने अपने संबोधन में कहा कि एक अनूठी पहल से पुलिस पब्लिक के संबंध को मजबूत तो होंगे ही, साथ ही साथ किसी भी मामले में जरूरी होने पर बच्चों से एक अच्छे माहौल में बातचीत भी हो सकेगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि जुवेनाइल क्राइम कम करने में यह मील का पत्थर साबित होगा। इसके 3 स्तर होंगे, जिसमें पहले स्तर में आधारभूत संरचना के तहत बच्चों के लिए वातावरण आकर्षक और लुभावना होगा। वहीं बच्चों के लिए किताबें, खिलौने और लुभावनी चित्रकारी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिले के कुल 14 थानों में 2-2 महिला कर्मचारियों को कानूनी व मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे पीड़ितों से सही तरीके से पूछताछ कर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। तीसरे स्तर में सामूहिक सहभागिता के तहत विभिन्न स्कूलों के बच्चे को थाने में बुलाकर पुलिस की कार्यशैली से उन्हें अवगत कराना, ताकि उनके मन से पुलिस का भय दूर हो सके। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में जिला के सभी थानों में आनंद भवन का निर्माण किया जाएगा। DIG कविता जालान ने अपने संबोधन में इस अनूठी पहल की जमकर प्रशंसा की और एक सराहनीय कदम बताया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत NCPCR के निर्देशों के अनुसार जिले के हर पुलिस थाने में बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस कार्यक्रम का संचालन थाना प्रभारी गोकुलानंद साहू ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन SDPO शशांक शेखर बेउरा ने किया। मौके पर डालमिया विद्या मंदिर के बच्चों ने सड़क सुरक्षा पर आधारित लघु नाटक का मंचन किया। वहीं रोशनी रॉक स्टार के कलाकारों ने राष्ट्रीय गीतों की धुन पर शानदार नृत्य प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी। मौके पर अतिथि के रूप में डालमिया सीमेंट भारत के कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता, डालमिया सीमेंट के नए ED सुनील कुमार गुप्ता, सरोज कुमार राउत, डालमिया विद्या मंदिर के प्रिंसिपल डॉक्टर राघवेंद्र द्विवेदी, पुलिस महकमे के अन्य अधिकारी गण मौजूद रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग बने। राजगीपुर थाना रे समस्त अधिकारी बिंदु छोटे छोटे पिलाने के आसर एरिया रे सब सम्मानित अतिथि बिंदु आ समस्त प्रेस और मीडिया बंधु मान यहाँ आम एक सुंदरगढ़ रे बहुत नोबल गोटे प्रयास रही जो थे कि पुलिस स्टेशन जो थे कि वयस्क नागरिक मैंने भी जेनरली आसवाक चाहती नहीं किंबा दूरिया रहा चाहते क्योंकि से छुआ मानक फ्रेंडली करने चेष्टा कर इम्पोर्टेन्ट जिनसा जोटा से कहले कि नॉट ओनली चाइल्ड विक्टिम बल्कि चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ जो अच्छा से मानक भी गोटे फ्रेंडली एनवायरनमेंट देवा जमीक आग चल के गोटे भल नागरिक हो पारे और सहीटापी जो 3 स्टेप्स जो करोजना रही भी अति सुंदर से भितरे जो पुलिस पर्सनल को भी सॉफ्ट ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लीगल ट्रेनिंग देवार भी से योजनाटा रही सेटा भी बहुत सुंदर मु आशा करूँ कि जोटा कार्यक्रमटा से ये थाना पाली प्रोजेक्ट हिसाब से करा आगामी दिन सफल होके पूरा जिले में और ता आग को भी जाके गोटे पायलट प्रोजेक्ट पड़िया समस्त गोटे उदाहरण स्वरूप हो पार और आम आग को नहीं जापर और ये थे आपण मान भी सहयोग और आपण मान भी जहाँ भी सजेसन अच्छे से भी आम इनवैट करूँ और आम आगामी दिन में आशा करूँ कि आम यही प्रयास अच्छी आग को नहीं जा निहाती छुआ मैंने छुआ समय ही पुलिस किसी जो दूरीटा रही कम आरंभ करेंगे और जिते बड़े से मैंने गोटे वयस्क नागरिक हे निहाती गोटे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टा निहाती बढ़ पाए प्रथम मुझे धन्यवाद जानको चाहती कि से आज आसे मध्य आसिक उद्घाटन समारोह उपस्थित हेले आमर जो प्रयास की अच्छी विषय में किसी मुझे जानवाक चाहती आग आम प्रति आम सुरक्षा इनिशिएटिव अंडर में वर्तमान आम गोटे 3 स्टेज रे ये प्रोग्राम टाक आज लॉन्च करूचे प्रथम पर्याय आम यार जो अच्छे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फोकस करे जो कि सब पुलिस स्टेशन जोटा अच्छी आमर से चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज
बेस्ड ऑन एनसीपीसीआर का गाइडलाइन जहाँ अच्छी फॉलो करकेट बना रही गोटे सेपरेट एनक्लोजर जो थे आउ कंट्रोजर नो थे कि पिला कंड्यूसिव एनवायरमेंट मिल पार टी सौ मिल पार किसी खेलना थी किसी कलरफुल एनवायरमेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज आम आपको जो अच्छे कैपासीटी बिल्डिंग फोकस करूँ जो थे कि सुंदरगढ़ में 14 पुलिस स्टेशन ईच पुलिस स्टेशन दीदीटा फिमेल स्टाफ को चेंज करूँ जो मैं आगामी दिन में ट्रेन करूँ अन् चाइल्ड साइकोलॉजी एज वेल एज चाइल्ड रिलेटेड लॉज जो लीगल एस्पेक्ट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ट्रेनिंग दिखाई ताकि चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हिसाब से जो मैंने अब्यूज चिल्ड्रन अच्छा कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ अच्छा कि पेरेंट्स मान सहित आसुच्च पेरेंट्स मान गंडगोल अच्छी बट दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग साइकोलॉजिकली से टेकअप करेंगे कथा बुझे एंड केमी जो हिंसा होगा जहाँ असुविधा होगा फ्यूचर को एफेक्ट न करू जेहेतु पुलिस स्टेशन मैं फर्स्ट स्टॉप सेंटर रोचे तो से सेकेंड स्टेज डेवलपमेंट करेंगे एंड थर्ड स्टेज जो रहा सब इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बेसिकली आम एम देखीचे कि जेनेली पुलिस को सब गोटे फियर साइकोसिस सहित देखा जाए भय सहित देखा जाए पुलिस को निज बंधु भाया बहुत कम लोक मैंने भावती दैट साइकोलॉजी हाज टू बी चेंज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड तो पिला मानक आम इनवाइट करूँ कि पुलिस स्टेशन आसतु आम सहित गोटे दिन स्पेंड करूँ आमको देखते कि आम कौ प्रकार काम करुच्छू एंड कौन पुलिस एक्चुअल सोसाइटी रे रोल रोचे कौ भाया मल्टीफेरियस एक्टिविटीज से एंड अल्सो इन द सेम वे पे एनकरेज भी हूँ कि आगे आसिक पुलिस बनिकी लोक सेवा करूँ मोटिवेट हूँ ये थ्री स्टेज प्लान आम रही बर्तमान यहाँ पायलट प्रोजेक्ट हिसाब से आम ये लंच कर आगामी दिन में आम फेज वाइज अलग पुलिस स्टेशन गुड़ाक भी यू कंटिन्यू कर थैंक यू तो अभी के लिए बस इतना ही तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूले nationupdate.in और हाँ आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।